बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वली कराम और आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र। बहुत सारे मैसेज आए हैं कि अली भाई बताएं कि दुबई में आने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। बड़ी अहम सवाल है और ये बहुत अहम वीडियो है उन तमाम दोस्तों के लिए जो दुबई आना चाहते हैं या आ चुके हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो आपका पासपोर्ट 8 माह से ऊपर, 1 साल से ऊपर होना चाहिए, तो वो बहुत बेनिफिट है। अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं तो फिर आपको कम से कम 3 माह का वीज़ा लगवाना चाहिए। आने से पहले थोड़ी सी प्लानिंग करी कि कौन सी जॉब कहाँ से मिल सकती है। डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ें चाहिए उनमें आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा 3 माह का, आपका शिनाख्ती कार्ड और उसके बाद आपके सारे सर्टिफिकेट, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कोशिश करें सस्ती तरीन टिकट लें और 1-1.5 माह के बाद की लें, वो आपको काफ़ी सस्ती पड़ सकती है। उसके बाद आपने करना ये है कि आने से पहले थोड़ी सी यहाँ पर सर्च कर लेना है। YouTube के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं, मेरी वीडियोस में भी आपको मिल जाएगी। बेड स्पेस, सस्ती तरीन बेड स्पेस देखनी है और उसके बाद आपने बुक भी कर लेनी है पहले, ज़्यादा बेहतर है। फ़ोन करके बुक कर लें कि ठीक है जी, मैं फ़लानी डेट को आ रहा हूँ, मेरे लिए रखिएगा। और मेट्रो स्टेशन या बस स्टेशन के करीब तरीन हो जो आपके आगे जाके काम आ सके। दुबई आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर घूमना फिरना नहीं है, जॉब ढूंढने आए हैं। तसल्ली से आते ही पहले दिन से ही जॉब का सर्च शुरू कर दें, यहाँ के एजेंट से बचना है ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर। और जॉब ढूंढने में ख़ुद अपनी हेल्प आप करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करनी है जॉब ढूंढने के लिए, ना कि घूमने फिरने के लिए, तस्वीरें बनवाने के लिए और फजूलात के ऐसे कामों के लिए। ये चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी बाद में जब आप यहाँ पर जॉब कर लेंगे। तो उसके बाद आने से पहले एक चीज़ का ख़ास तस्दीक कर लें, कुछ इश्यूज़ हैं, मुझे नहीं पता लेकिन पता चला है, एक साहब हैं मेरे दोस्त के भाई हैं, उनके साथ ये थोड़ा सा हुआ है, नाम का भी इशू कुछ है यहाँ पर, तो वो ज़रा सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट से या मुतलका अदारे से कि किसी नाम से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है UAE में। मेरी सर्च नहीं है लेकिन मेरे दोस्त का भाई है जो तो यहाँ पर जॉब ढूँढे हैं, उसके साथ ये थोड़ा सा मसला हुआ है। तो बाकी ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। अगर मैं कहीं रह गया हूँ, मुझे कुछ याद ना रह गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में बता के और दोस्तों की रहनुमाई कर दिया करें। एक दूसरे को बताना, एक दूसरे को समझाना, ये भी एक नेकी है ताकि कोई किसी गलती से बच सके। तो अपने मेरे ख़्याल में तकरीबन यही चीज़ें होती हैं, तो अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो आप मेंशन कर दीजिएगा, बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। छोटी सी वीडियो, इतनी ज़्यादा नहीं है, बड़ी थी लेकिन हो सकता है किसी के लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।